हेलो एवरीवन, हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर में यूनिट थर्ड से टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग के अंतर्गत डिस्कशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्कशन है क्या। तो डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श या चर्चा, तो इसमें ओपन इंडेड प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि खुला और बंद। इससे तात्पर्य ये हुआ कि खुला का मतलब कि आप कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस पर आप अपने विचार को रख सकते हैं, आप अपनी समझ के अनुसार उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लेकिन बंद का मतलब से तात्पर्य ये हो जाता है कि वैसा क्वेश्चन जिसका एक आंसर जो है देने के लिए आप एक क्राइटेरिया है जिससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी कि विचार जो डिस्कशन ऑर्गेनाइज करते हैं वो जो क्वेश्चन रखते हैं उस पर आपका विचार तो रखने का छूट आपको होता है, लेकिन फिर भी उस प्रश्न के दायरे से आपको बाहर जाने की छूट नहीं होती है। तो इसमें छात्र को रिस्पॉन्स करने का जो अवसर मिलता है उसमें छात्र अपने विचार, दृष्टिकोण और अनुभव को साझा करते हैं जो कि उनके मस्तिष्क में प्रश्न को लेकर उत्पन्न होते हैं। कोई भी प्रश्न जैसे उनसे अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप जैसे आपका लक्ष्य क्या है, तो वो उससे जो उनके दिमाग में जो आंसर बनता है या उन्होंने क्या सोच के रखा है तो ये वो उस जो उन्होंने अपने लक्ष्य भविष्य के लिए तैयार किया है उसके लिए वो क्या फील करते हैं, इन सारी चीज़ों को उनको शेयर करने का या साझा करने का मौका मिलता है। तो इसमें इससे क्या होता है कि एक परामर्शकर्ता को छात्रों के सोचने का तरीके का पता चल जाता है, उसकी विचारधारा क्या है ये समझ में आती है, उसकी विद्वता क्या है, उसमें कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, किस तरह वो सीखने की क्या क्षमता है ये बाहर निकल के आती है, तथा समस्या को सुलझाने की उनमें क्या प्रवृत्ति है, कितना वो समस्या को सुलझा पाता है, उसकी समझ क्या है विषय को लेकर, इन सारी चीज़ों जो छात्र के विषय में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक परामर्शदाता को मिल जाती है, जिससे के द्वारा कि छात्रों की काउंसलिंग उनके दृष्टिकोण को समझकर, उनके ज्ञान को समझकर, उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता को समझकर काउंसलिंग की प्रक्रिया को किया जाता है, जिससे बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ में आ जाता है कि वो कौन सी विचारधारा के हैं तथा वो समस्या को सुलझाने में कितना प्रयास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको काउंसलिंग लेकर उनको इम्प्रूवमेंट कराने का या जो जिस समस्या में वो है उससे बाहर निकालने का प्रयास काउंसलर करते हैं। साथ ही अगर वो कोई एजुकेशन से संबंधित काउंसलिंग ली जा रही है तो फिर उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन से वोकेशन या कौन सा एजुकेशन उनको लेना चाहिए आगे भविष्य के लिए, इसकी भी टीचर्स काउंसलर जो हैं काउंसलिंग कर उनको सही जानकारी दे पाते हैं। है कि प्लानिंग एक गाइडेड डिस्कशन, तो एक प्लानिंग कैसे की जाती है, इसकी डिस्कशन की गाइडलाइन कैसे तैयार की जाती है, तो चर्चा को किस तरह से प्लान करना है ये सबसे बड़ी बात होती है। कि अगर हम भी कोई भी डिस्कशन प्लान प्रोग्राम रख रहे हैं तो उसको हमको कैसे तैयार करना है, तो इस पर सबसे पहली बात जो है कि टॉपिक का चयन करने वक्त ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि बच्चों के पास उससे संबंधित जानकारियाँ हों,
तथा जिससे से कि अगर हम जो टॉपिक उनको डिस्कस करने के लिए दे रहे हैं उस टॉपिक पर उनको जानकारी हो, जिससे कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और जो डिज़ायर आउटकम्स हैं वो प्राप्त हो सके काउंसलर को। साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कि स्पेसिफिक लेसन ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके लिए छात्रों को जानकारी पहले से दी जानी चाहिए, जिससे कि जो टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को बताया जाना। और जैसा पहले कहा गया कि उस टॉपिक से जुड़ा हुआ बच्चे को पहले से उनके नॉलेज, कुछ न कुछ उसकी बेसिक नॉलेज उनको होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि टॉपिक जो चर्चा के लिए लिया गया है उस पर परामर्शकर्ता को उसके बारे में गहराई से जानकारी हो, जिससे कि छात्रों को अगर कुछ उस विषय में समझना हो या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो डिस्कस में करने में, तो फिर उस समस्या से जे छात्रों को वो उस टॉपिक से संबंधित किसी भी पॉइंट में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको क्लियरली वो समझा सके, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके, जिससे छात्र जो अपना साथी जो छात्र अपना विचार रख रहे हैं तो उस वो विचार उनका जो उन्होंने उस टॉपिक से संबंधित जो उन्होंने आंसर दिए या डिस्कशन किया वो कितना सही किया, कितना उससे संबंधित था या उससे बाहर था, उस साथ ही उस पर उस टॉपिक से वो डिस्कशन ग्रुप को बांध के रख सके, इसलिए और उस टॉपिक का वो इवेलुएट कर सके कि कितना जो डिस्कस हो चल रहा है वो कितना सही है, कितना बच्चों ने अपनी विचार को अच्छी तरह से रखा है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक परामर्शदाता को उस टॉपिक से जुड़ा हुआ पूर्ण ज्ञान को रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइज करना, तो सबसे बड़ा जो इसका डिस्कशन का जो मुख्य पार्ट है वो यही है कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया जाए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग किया जाए। तो इसमें तीन पार्ट निकल के आता है, जिस पर हमको पहला कि इंट्रोडक्शन, दूसरा डिस्कशन, तीसरा कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ये बच्चों को पहला तो ध्यान को एकाग्रचित करना टॉपिक के प्रति, ताकि वो टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर या उस पर डिस्कशन करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए या उससे उत्साहित होकर उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और इंट्रोडक्शन के लिए फिर अटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन पार्ट बच्चे को बताने के समय कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में नॉलेज पूर्ण डिस्कशन कर सके, इसलिए वो काफ़ी ध्यान से उस टॉपिक को समझे। और उस टॉपिक से बच्चों को जो कुछ पूछा जाए उसके बाद बच्चे अपना रिस्पॉन्स कर पाए, रिस्पॉन्स कर पाए ताकि डिस्कशन में वो भाग लेने के लिए उत्साहित हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि छात्रों का जो रिस्पॉन्स है उस पर उनको मोटिवेट किया जाए कि चलो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया या आपने सही आंसर दिया, इस तरह करके कि जब वो डिस्कशन में बच्चे भाग ले तो उनमें काफ़ी उनको अंदर से खुशी मिले या उत्साहित हो सकें कि हम इस पर इस जो टॉपिक दिया गया है उस पर हम डिस्कस करें। नेक्स्ट इसका ओवरव्यू किया जाना, जैसे कि जो टॉपिक दिया गया है जो उसके बारे में जो चीज़ें बच्चे से निकल कर आई है उस टॉपिक से उनका जो रिस्पॉन्स आया है उसके बारे में बच्चों को सार्वजनिक करना कि आप लोग प्रत्येक बच्चे में से जो जो किसने क्या टॉपिक दिया और उसको किस तरह से समझा जाए, तो वो जितनी भी चीज़ें निकली हैं उनको बच्चे को बताना कि आपने जो ये टॉपिक पर डिस्कस किया या उसमें टॉपिक से जुड़ा हुआ उन्होंने क्या-क्या बताया, इसकी जानकारी उनके सामने रखना।
नेक्स्ट टॉपिक है कि प्लानिंग के लिए कि डिस्कशन करना। तो इसमें जो एक पॉइंट है उस पर तर्कसंगत रूप से यानी कि लॉजिकली रूप से डिस्कस किया जाना, साथ ही उसका उद्देश्य के साथ, क्योंकि जो टॉपिक दिया जा रहा है उससे जुड़ा आपने जो भी बताया है, बच्चों को ये बताना कि आपने जो भी बताया है उसको बोर्ड पे लिखना, या फिर बच्चे को ये कहना कि बच्चे उसको जो टॉपिक निकल के आ रहा है अलग अलग बच्चों से उसको वो नोटबुक में नोट करते जाएं। जैसे मान लेते हैं कि हमने ई लर्निंग के बारे में बच्चों से डिस्कशन किया और फिर उनसे उससे जुड़े हुए विभिन्न बहुत सारे आंसर निकल के आए, जिसमें किसी ने कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है या इससे जुड़े हुए और भी पॉइंट्स जो भी आ रहे हैं, उनको या तो फिर काउंसलर या टीचर जो भी हैं वो बोर्ड में पॉइंट को क्रमबद्ध तरीके से लिखें, या फिर बच्चों को ही उस सीक्वेंस में लिखने के लिए नोटबुक में कहें, ताकि वो जितनी भी बातें या जितने भी पॉइंट्स उससे निकल के आए हैं डिस्कशन में वो सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित की जा सके। नेक्स्ट है कि प्लानिंग में थर्ड पॉइंट है ये कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यानी कि इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक दिया गया उस पर जो डिस्कशन हुआ, बच्चों से जो कुछ निकल के उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो बातें बच्चों से निकल के आई, जो रिस्पांस उन्होंने किया उसको समराइज करना तथा उसको रीएक्टिवेशन के लिए ये बताया जाना कि उन्होंने जो पॉइंट निकाला है उसमें कौन कौन सी पॉइंट उस टॉपिक से जुड़ा हुआ है और उसको क्रमबद्ध रूप से निष्कर्षता व्यवस्थित किया जाना। लास्ट हम देख रहे हैं हम लोग कि लीड ऑफ क्वेश्चन, यानी कि लीड ऑफ क्वेश्चन जो है वो जब आप जैसे कि जनरल क्वेश्चन जब परामर्शदाता पूछ लेते हैं, उसके बाद जो जिस क्वेश्चन के बारे में हमको फिर नेक्स्ट आगे बढ़ना है उस प्रश्न को डायरेक्ट यस या नो में कि इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में ना देकर बच्चों को शॉर्ट रूप में क्वेश्चन शॉर्ट रूप में कैटेगराइज करके फिर से उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए, ताकि छात्र को उस प्रश्न को और भी ज़्यादा समझने का और उसको आगे उस पर कुछ और भी ज़्यादा चर्चा करने के लिए कुछ टॉपिक मिल सकें। तो डिस्कशन के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई भी चर्चा बच्चों से करते हैं तो जो उनका जो उनसे कुछ भी टॉपिक निकल के आया, जो उन्होंने उसके बारे में बताया, उनमें से प्रश्न उन्हीं से प्रश्न निकाल के और फिर उसको फिर नए डिस्कशन के रूप में उसको रीएक्टिवेट करना, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो परामर्शदाता जो है इसके द्वारा बच्चे की कितना समझ है इन सारी प्रक्रियाओं से, कि उनकी कितना समझ है और वो कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेते हैं जैसा कि पहले बताया गया है, उन सारी चीज़ों को समझकर बच्चे को काउंसलिंग जब लेते हैं तो उनको काफ़ी आसानी होता है, ताकि बच्चों से जुड़ी हुई उनकी व्यक्तिगत विचारधारा, उनका क्या दृष्टिकोण है, उनकी कितनी समझ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या क्षमता है, सीखने की क्या क्षमता है, इन सारी चीज़ें टीचर्स के सामने या काउंसलर के सामने आ जाती है, जिससे कि उनकी काउंसलिंग जो वो काउंसलिंग करना चाहते हैं उसमें उनको काफ़ी सहायता प्रदान होती है। नेक्स्ट है कि जब हम कोई भी डिस्कशन कंडक्ट करते हैं तो उसका दो होता है, या तो फिर उसमें यू शेप या सर्कल शेप में बैठाया कर बच्चों, ताकि सारे बच्चे एक दूसरे के आमने सामने हो और एक जो भी उस पर विचार विमर्श हो
वो सब एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट हो सकें और उसको उसके अकॉर्डिंग समझ सकें। तो डिस्कशन के कुछ अपने मेरिट भी हैं, जैसे ये इसके द्वारा डिस्कशन के द्वारा बहुत सारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जैसा कि पहले भी कहा गया कि बच्चों से संबंधित उनकी क्षमता कितनी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उनकी थिंकिंग क्षमता क्या है, उनकी समझ कैसी है, वो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ कितना नॉलेज रखते हैं या अपनी उनकी नॉलेज कितना है, उनका कितना ज्ञान को वो डेवलप कर पा रहे हैं। साथ ही वो उनको मोटिवेशन भी प्राप्त होता है कि वो जिस वो उस किसी भी डिस्कशन में भाग लेने के लिए उत्साहित हो सके। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता है, सोचने की क्षमता भी डेवलप होती है। इसके साथ ही इसके कुछ डिमेरिट भी हैं, जैसे कि इसमें टाइम का काफ़ी खर्च होता है। दूसरा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम एक डिस्कशन जो हम डिस्कशन के लिए जो हमने टॉपिक लिया है वो जो हमने सर्टेन टाइम रखा है उसके अंतर्गत वो कंप्लीट ही हो पाए। और फिर बहुत सारे चूँकि डिस्कशन में बहुत सारे स्टूडेंट या रहते हैं तो कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि जो टॉपिक है उससे बाहर चला जाता है, इसलिए इसको मैनेज करना भी काफ़ी आसान नहीं होता कब ये डिस। और साथ ही इसमें डिसिप्लिन की भी ये रहता है कि ये बच्चे जो हैं कभी डिसिप्लिन को क्रॉस भी कर सकते हैं, और जो क्योंकि एक जो रूल है जो नियम है उस पर अगर नहीं चलें और डिस्कशन से अगर हम बाहर आते हैं, हम किसी एक टॉपिक का डिस्कस करते करते कभी ऐसा होता है कि दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन चलने लगता है और जो हमारा मेन पॉइंट है उससे भटकने की भी संभावना रहती है डिस्कशन में। तो ये सब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो आज हमने डिस्कशन के बारे में पढ़ा कि कैसे ये काउंसलिंग के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्निक हो जाता है जिसके द्वारा स्टूडेंट का काउंसलिंग किया जा सके। तो इसके द्वारा बच्चों के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, साथ जिससे एक काउंसलर को काफ़ी आसानी होती है कि बच्चों की काउंसलिंग ले सकें।